नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर पटना की MP MLA कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाजिर नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि राहुल के बयान इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में उन पर मानहानि का केस करवाया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसी मामले में पटना की MP MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर MLA MP कोर्ट द्वारा पेश होने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की गुहार भी लगाई थी। उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम पर बयान के बाद सूरत में भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सांसद सदस्यता रद्द हो गई थी।